बिग बॉस 13 फाइनली खत्म हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। लेकिन शो को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो जारी है। लोग सिद्धार्थ शुक्ला के शो जीतने पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ को जीतना मतलब जिताना ही था, फिक्स था, यानी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें अनडिजर्विंग कैंडिडेट बता रहे हैं। ना सिर्फ आम लोग बल्कि गौहर खान, मीरा चोपड़ा और चैनल की एक महिला कर्मचारी ने भी ये बोला है कि बिग बॉस फिक्स शो है और सिद्धार्थ को जिताना पहले से तय था। अब इस पर खुद सिद्धार्थ का बयान आया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, इस तरह की बातों पर आप क्या कहेंगे? शो पर मेरी जर्नी बहुत मुश्किलों से भरी रही, उसे पार करके मैं विजेता बना हूं। और जब कोई इस तरह के सवाल उठाता है तो बहुत दुख होता है। मुझे उन लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो इस तरह की सोच रखते हैं। अगर आपने पूरा सीजन फॉलो किया है तो देखा होगा कि मेरे लिए शो में रहना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि इससे आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। टॉप टू में शामिल होने वाले असिम रियाज ने एबीपी से बात की। यहां उन्होंने फिक्स ज्यूविनर वाली बात को पूरी तरह नकार दिया। असिम ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शो में कुछ फिक्स नहीं था। जनता के प्यार की बदौलत मैं यहां तक पहुंचा और उसने सिद्धार्थ ने शो जीता, इसलिए कुछ फिक्स नहीं था और ना कुछ ऐसा हुआ। शो के फिनाले को लेकर एक और रूमर है। पिंक विला ने एक सोर्स के हवाले से बताया है कि सलमान खान पूरे सीजन के दौरान चैनल से खफा थे। उनका मानना था कि चैनल सिद्धार्थ को लेकर बायस्ड है। जब सलमान को पता चला कि चैनल सिद्धार्थ को शो का विनर बनाने वाला है तो सलमान खान गुस्से में शूटिंग छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है कि इसीलिए फिनाले लेट हुआ और रात को 12 बजे सिद्धार्थ को विनर घोषित किया गया, क्योंकि सलमान के सेट से जाने की वजह से शूटिंग बीच में ही अटक गई थी। सोर्स ने यह भी बताया कि सलमान खान अगले सीजन को होस्ट नहीं करेंगे और उन्होंने बिग बॉस के मेकर्स को भी ये बता दिया है। खास बात यह है कि बिग बॉस सीजन 13 में पहली बार फिनाले के दौरान टॉप टू कंटेस्टेंट्स को वोट करने के लिए 15 मिनट के लिए वोटिंग लाइंस खोली गई थी। इसके बाद शो ने सिद्धार्थ को विजेता घोषित किया। टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स में सिद्धार्थ के साथ शहनाज गिल और असिम रियाज भी थे, लेकिन शो के मुताबिक कम वोटों के चलते दोनों फिनाले वाले दिन बाहर हो गए। खैर, अभी तक शो के लड़ाई झगड़े, कंट्रोवर्सी, स्क्रिप्टेड होने की बातें कही जाती थी, लेकिन इस सीजन की बात कुछ और आगे बढ़ गई है। शो पर आरोप लगाने वालों में चैनल की एक महिला कर्मचारी फिरिहा भी शामिल हैं। उन्होंने कलर्स चैनल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये एक फिक्स शो है। उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैंने कलर्स टीवी से जॉब छोड़ना तय कर लिया है। चैनल के क्रिएटिव डिपार्टमेंट के साथ काम करके बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन एक फिक्स शो का हिस्सा बनकर मैं खुद को नहीं गिरा सकती। कम वोट्स के बावजूद चैनल सिद्धार्थ शुक्ला को विनर बनाना चाहता है। सॉरी, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकती। चैनल की इन्हीं एम्प्लॉई ने शो को स्क्रिप्टेड भी बताया था। फिनाले निपटने के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया, बिग बॉस 13 एक स्क्रिप्टेड शो है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला पहले से फिक्स विनर हैं। BB13 की क्रिएटिव हेड और प्रोग्रामिंग हेड जो हैं वो सिद्धार्थ की एक्स गर्लफ्रेंड है। क्या और भी कुछ बताने की ज़रूरत है? सेलिब्रिटीज़ के आरोप एक तरफ तो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर हैशटैग पब्लिक का विनर असिम और दूसरा हैशटैग फिक्स विनर सिड ट्रेंड हो रहे थे। दूसरी तरफ सिलेब्स भी शो पर उंगली उठा रहे हैं। चैनल को फिक्स बताने के आरोप पर प्रियंका चोपड़ा की कज़न जो हैं मीरा चोपड़ा, उन्होंने भी एम्प्लॉय का समर्थन किया और उन्होंने लिखा कि भीतरी सूत्रों के जरिए हमें ये बात बहुत पहले से पता थी, लेकिन इस तरह का स्टैंड लेने के लिए तुम पर गर्व है। जो लोग इतने समय से अंदर हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। बिग बॉस के पिछले सीजन में दिख चुके गौहर खान और कमाल आर खान यानी के आर के, उन्होंने भी ट्वीट करके शो पर सवाल किए हैं। खैर, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कलर्स चैनल का बयान आया है। अब चैनल ने फरीहा के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल से लिखा है कि कलर्स इस बात को क्लियर करता है कि फरीहा नाम की लड़की जो शो को लेकर गलत कमेंट कर रही है वो इस चैनल से नहीं है, जो उसने अपने बयान में कहा है। उन्होंने हमारे चैनल, हमारे स्पोक्स पर्सन और टैलेंट को लेकर जो भी कहा है वो गलत है। हम अपने फैंस और दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे गलत, झूठे और अनाधिकारिक लोगों की बातों में ना आए। पर इसके बाद भी बिग बॉस 13 को और उसके विनर को लेकर जो पंगे हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा और वीडियो वायरल हो गया है जिसमें लोग टॉप टू में रहे असिम रियाज और सिद्धार्थ को बराबर वोट मिलने की बात कर रहे हैं आपस में। वीडियो को द खबरी नाम के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो में एक महिला नज़र आ रही हैं जो कह रही हैं कि ये भी प्रेडिक्टेबल होगा बिकॉज देयर आर इक्वल वोट्स,
ये भी पहले से मतलब तय होगा क्योंकि उन दोनों को सेम वोट्स मिले हैं, सेम नंबर ऑफ वोट्स। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बिग बॉस के कंट्रोल रूम का है, लोग सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर कर रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।